पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में आज ये मंडल की बैठक, जैसे कि हर जगह पे मंडलों की बैठक हो रही है और तीन तीन मंत्रियों के ग्रुप में सभी लोग जा करके पूरे मंडल की जो एक बैठक लेंगे, समीक्षा करेंगे सारे अधिकारियों के साथ, सारे जनप्रतिनिधियों के साथ, सारे पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब लोग आम जनता तक जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका क्या फीडबैक है, सरकार के द्वारा योजनाएं हर एक व्यक्ति तक पहुंच रही हैं, अधिकारियों के द्वारा सही से काम किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों का फीडबैक सरकार तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम को, इस बैठक को आयोजित किया गया है। जी बेसिक शिक्षा विभाग का दायित्व मुझे मिला है और हमारा प्रयास है कि पिछले 5 वर्षों में मिशन कायाकल्प के अंतर्गत हमने अपने जितने भी विद्यालय हैं, 3 वर्ष तक हमारी सरकार ने कार्य किया और 2 वर्ष तो विद्यालय बंद ही रहे, लेकिन अधिक से अधिक विद्यालयों में हम सब लोगों ने जो कायाकल्प के 19 पैरामीटर्स हैं उसमें सुधार करने का काम किया है। आगे भी हमारा प्रयास है कि हम सब अपने जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं उनको बेहतर से बेहतर बना सकें, अधिक से अधिक बच्चे जो अभी शिक्षा व्यवस्था से नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें अपने साथ जोड़ सकें। हमने लक्ष्य लिया है कि 2 करोड़ तक परिषदीय विद्यालयों में हमारे छात्र संख्या पहुँचे और 1 करोड़ 80 लाख से ऊपर ये हमारा लक्ष्य जा चुका है। हमारा प्रयास है कि हर एक बच्चे तक शिक्षा की जो बेहतर सुविधा है, प्राइवेट स्कूल्स में जो शिक्षा का स्तर है वही शिक्षा का स्तर हम परिषदीय विद्यालयों तक लेकर के आए और काफी हद तक हम उसमें सफल भी हो रहे हैं। आवासीय विद्यालयों के जो टीचर थे उनको यथास्थिति काम करने का आदेश दिया है, क्या कहेंगे? मैं आप सुन नहीं पा रहा हूँ। जो कस्तूरबा आवासीय जो विद्यालय के जो जो अध्यापक थे, 2500 अध्यापक जो हटा दिए गए थे उन्हें वापस रखने के लिए कोर्ट ने एक आदेश दिया है, क्या कहेंगे? माननीय कोर्ट का जो न्यायालय का आदेश है उसका पालन करते हुए सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इसमें मेरे सामने अभी ये बिंदु आया नहीं है, इस पर चर्चा की जाएगी पूरी तरह से और सभी लोगों के शिक्षकों के हक में और जो माननीय न्यायालय ने जो अपना पक्ष दिया है, अपना आदेश दिया है उसका पालन किया जाएगा। कहा जाए कि भाजपा सरकार से खुशी मिलेगी, अध्यापकों को खुशी मिलेगी भाजपा सरकार से? देखिए, हमारी सरकार किसी के अहित के लिए कार्य नहीं करेगी। मैं केवल इतना करूंगा, अगर कोर्ट का निर्देश है और हमारी सरकार उस पर तय करेगी जो शिक्षकों के हित के लिए होगा उस पर कार्य किया जाएगा। जब इलेक्शन आता है तभी स्कूलों में जहां जो बूथ बनाए जाते हैं वहां बिजली का कनेक्शन दिया जाता है, उसके बाद काट दी जाती है क्योंकि बिजली का कोई मद शिक्षा के स्कूलों में नहीं मिलता है। देखिए बिजली का, देखिए बिजली के फर्नीचर की कमी है, अभी भी टाट पट्टी में बच्चे बैठ रहे हैं। तो हम डिजिटल क्लास बनाने का एक सपना विजन लेके चल रहे हैं मिशन कायाकल्प में। जी मंत्री जी, मिशन कायाकल्प में देखिए हम सब लोगों ने 25,000 विद्यालयों का लक्ष्य लिया है। अपर प्राइमरी और प्राइमरी, पहले अपर प्राइमरी तक ही फर्नीचर होता था, प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में फर्नीचर जाएगा और हम सब का प्रयास है कि बिजली का बिल की जैसे आपने बात करी और बिजली की बात करी तो बिजली हर एक विद्यालय तक पहुंच चुकी है और 2018 के बाद से जो व्यवस्था है शहरों में नगर निगम देगा और गाँव में ग्राम पंचायत के माध्यम से बिजली का बिल जमा किया जाता है। तो सभी जगहों पर इस व्यवस्था को देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है, बिजली के बिल का भुगतान समय से हो, हमारी सरकार इस पर कार्य कर रही है। किताबें भी नहीं पहुंची है अब, इसका किताबों का टेंडर होना प्रोसेस इसका चल चुका है, जब प्रोसेस पूरा हो जाएगा बच्चों को किताबें मिल जाएंगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।